सच सिर्फ हम दिखाते हैं। तो डिप्टी कमिश्नर पहुंचे हैं सेठी चौक वाली सड़क पर। इस सड़क को लेकर ऊपर बड़ा विवाद था, बिल्कुल सही सलामत ये सड़क थी, लेकिन इस सड़क को उखाड़ दिया गया और लगभग 90 लाख रुपए की लागत से ये सड़क जो है तैयार होनी। आप देखिए, डिप्टी कमिश्नर को शिकायत पहुंची थी और खुद मौके पर पहुंचे हैं। रातों रात ये सड़क जो है उखाड़ दी गई और इसकी शिकायत जो है डीसी महोदय के पास पहुंची और खुद यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुँच गए हैं। तो लाइव कवरेज है, वैसे पानीपत में देख रहे हैं आप, तो देखिए आप क्या दिक्कत क्या थी यहाँ पर सड़क को उखाड़ी। कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छी बड़ी सड़क, अभी इसकी म्याद कम से कम 7-8 साल थी, चल सकती थी। अच्छा। किसी दुकानदार ने कोई कंप्लेंट नहीं दी कि भाई हमें सड़क चाहिए, इसमें दिक्कत है। लेकिन कह रहे हैं 2022 से ये टेंडर नगर निगम ने पास किया। देखिए निगम के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। टेंडर लगा दिया आपके, 90 लाख रुपए सरकार के वेस्ट करोगे ना आप, ये बताओ सड़क ठीक थी? बिल्कुल। किसने कंप्लेंट करी सड़क की, जो टूटी पड़ी है हमें सड़क चाहिए, तो अपने आप बैठ के टेंडर पास करना। 2021 का एमसी का डिमांड, एमसी की डिमांड नहीं, एमसी लोगों की, आम आदमी की डिमांड है, हैं आम आदमी की डिमांड होनी चाहिए। आम आदमी की डिमांड क्या है आप बताओ जी, सड़क ठीक थी? जो जगह टूटी थी वो तो सब तो बनाना, पेवर टाइल थी ना, वो रिपेयर हो सकती थी, नई सड़क बनाने की जरूरत नहीं थी, तंग हो रहे हो। देखो ये मेरी बात सुनो, अब आप ये देखो कहाँ तक ये जी आगे बढ़ने एक फलान पर चुका, अब एरिया से इनके पास टेंडर चल रहा है। हाँ तो आ चल लो। तो ये डीसी पटकार लगाते हुए 90 लाख रुपए का ये टेंडर जो है वो है, नगर निगम के अधिकारी जो है मौके पर बुलाए गए हैं। फिर क्यों उखाड़ दी आप, आगे चेक तो करो ना। अब वो टाइल कहाँ गई? टाइल तो देखिए सर, उसी की रिकवरी का नोटिस और वर्क स्टॉपेज का नोटिस तक ही दिया, हमारे अंत्योदय में ड्यूटी लगी सर वहाँ पे मेले में, तो पीछे से वाले दिन से काम स्टार्ट कर दिया। क्यों आपने लोड क्यों किया काम उसको? अच्छी बनी सर, पहाड़ के नहीं टेंडर भी सर ये पहले का लगा हुआ था। नहीं एक मिनट, नहीं मैं ये नहीं कह रहा आपकी गलती है, सिस्टम की कह रहा हूँ। सिस्टम में क्या है कि जब टेंडर था आप देखने पे कि सड़क ठीक है, वो बता रहे हैं पेवर टाइल की थी, पेवर टाइल तो जहाँ टूट जाए आप चेंज कर दो टाइल, तो नई सड़क 90 लाख रुपए क्यों वेस्ट कर रहे हैं? अभी आप देखो पुराना, हाँ बताओ, पुराना ही लगा हुआ था 2022 में। नहीं टेंडर की बात नहीं कह रहा मैं, सड़क जब ठीक थी, एक बताओ एक टेंडर गलत लगा दो आप तो उसको तो नहीं होल्ड करके रखा हुआ सर। फिर क्यों पीछे से स्टार्ट हुआ ना सर, हम तो वहाँ ड्यूटी लगी हुई थी सर अंत्योदय, उस बंदे ने अलॉट कर दिया था अपने काम उसको, काम तो सर ये अलॉटेड था 19/5/2022 को, अभी एक साल से होल्ड इसीलिए रखा हुआ। आप उसको नोटिस तो देते ना कि नोटिस दिया सर, काम नहीं, काम अलॉट कर दिया था तो बताते ना कि काम नहीं करना शुरू, ट्वेंडिंग था सर एक साल से। फिर क्यों करा उसने? अब वो बता तो रहे सर पीछे से ना, हमें इंटीमेशन थी सर सबकी वहाँ ड्यूटी लगी हुई थी। नहीं पर एक मिनट, यहाँ का एमसी कौन है आप बताओ? आप कर्मचारी हो, आपको पता होना चाहिए यहाँ के 26 वार्ड हैं, 26 एमसी हैं, तो इस वार्ड और ये वार्ड नंबर 8 है, इसका एमसी बताओ आप। विजय सहगल की वाइफ, विजय सहगल का नाम क्यों आ रहा है जी? चंचल जो हमारी पार्षद है, पार्षद क्या बताओ उसका नाम, उसका क्या मतलब है, उसका क्या रोल है? आप एक बताओ आपका नाम क्या है? नहीं प्रदीप, आपकी वाइफ का नाम गीता, आपकी सीट भी गीता का हस्बैंड है ये तो नहीं ना, आपको आपके नाम से बुलाया जाएगा ना, आप जो यहाँ पे है चंचल वही है ना पार्षद, आप उसका हस्बैंड का नाम ले दो वाइफ को। सरकार भी ये कहती है जो चुनिंदा आदमी है उसी के नाम से बात करो, इनसे पूछो सड़क ठीक थी जी पहले? हाँ
अब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब बनवा दो बढ़िया है। मतलब सड़क ठीक है क्यों, जहाँ ठीक है वही कर दिया, हमने सो करा दिया और उसकी रिकवरी के लिए नोटिस दिए। नहीं पर अभी इसका क्या होगा सर, टाइम लगाएगा इसके रिकवरी के लिए, कब तक लगाए? 4-5 दिन का काम है। अब मैं कब आऊँ यहाँ पे? देखो मैं कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं स्टंट कर रहा, मेरे को कंप्लेन मिलती मैं हर जगह जाऊंगा, अदरवाइज यहाँ पे आना एक आफत का काम है, आफत का काम है यहाँ। ये मार्केट के प्रधान है हमारे यहाँ जताना साहब। हाँ जताना साहब बताओ, ये सड़क ठीक थी? सर सड़क ठीक तो मतलब नहीं थी, पैच वर्क था इसमें, कुछ ठीक होने लायक था वो, फिर ऐसा पेवर ब्लॉक ही थे ना, वो चेंज हो जाते, उखाड़ने की क्या जरूरत थी? वो तो निगम को पता जी कैसे उन्होंने कैसे किया है। सर निगम को ये चाहिए जो पेच वर्क हो सकता वो कर सकते थे, हमारे सामने जो भी करा ठीक, हर साल ठीक करवाते ही है, करवाते हैं वो सड़क तो। आप देखो ना, आप सड़क उखड़ गई, सड़क जो है 10-12 साल पुरानी बनी थी, 2013-14 में बनी थी सर, नई सड़क कभी बने जी? यदि आपका सड़क चल रही है जी जी, तो अब एक बताओ, मैं जी रोड ठीक चल रही है मैं उसको चेंज पाड़ दूँ? सर ऐसा था ना, इसमें ना नाली की भी ब्लॉकेज थी, ब्लॉकेज है, नाली चलती नहीं थी, तो हमने अपना पार्षद साहब को लिख के दिया था कि हमें जो है नाली खोल के दी जाए। हाँ तो नाली दी जाए ना खोल के, तो उन्होंने कहा कि थड़े तोड़े जाएंगे, सड़क दोबारा आपकी, एक साल पहले का टेंडर लगा हुआ है, ये टेंडर आपका कंप्लीट करेंगे और सड़क बना के दी जाएगी आपको। देखो सड़क कंक्रीट वाली ऐसा है, कंक्रीट की बने, कंक्रीट की ज़्यादा टूटती है, हमेशा हमें पेवर ब्लॉक की बनवाते हैं जी जी, वो बारिश में टूटते नहीं, जो कंक्रीट की होती है आपको पता बारिश में टूट जाती है, तारकोल टूट जाती है जी जी जी। अब कंक्रीट की बनाई फिटो, अब पेवर ब्लॉक लगे थे बढ़िया थे, जहाँ रिपेयर होने थे वहाँ करवा लेते, रिपेयर तो थी जी। नाली और सड़क का अलग कम्बिनेशन है, नाली अलग है जी जी, अब नाली तो और खराब हो जाएगी इससे, अब रेत और जाएगा इसमें। चलो अब तो हमारी जो है जो होना था सर हो गया, चलो अब हमारी गुजारिश ये है कि जो हाथ जोड़ के पूरा मार्केट जो है खराब हो चुकी है इस टाइम, पूरा मिट्टो मिट्टी है, काम सारा बांधित है, ठीक है, हमें थोड़ी सड़क जो भी आप कंक्रीट की बना रहे हो या टाइल की बना रहे हो, हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये है एसोसिएशन की तरफ से, सड़क को जल्दी जल्दी काम कम्प्लीट किया जाए। आपके ऐसा है सड़क तो बन जाएगी जी सर, अब ये अच्छे बलिपे और ब्लॉक लगे हुए थे जी जी सर, ये कह रहे जी हमारे को पता ही नहीं, वो हम अनुदय में अंत्योदय में जा रहे थे जी सर, पीछे से उसने काम शुरू कर दिया, काम शुरू रिकवरी का नोटिस दिया। पेवर ब्लॉक में आप ऐसा है जहाँ रिपेयर करनी है पेवर ब्लॉक ही लगा रहे हैं, उखाड़ के वहाँ पे पेवर ब्लॉक लगा दो, पेवर ब्लॉक क्यों बनाते हैं आप कि भाई जहाँ टूट जाए वहाँ, अब आप उसे बनाओगे तार खोल के टूट जाएगी बारिश में, काम 22 में लौट हो गया था, आपने रोक रखा था एक साल से, रोक रखा था, अब उसने आके अपना काम शुरू कर दिया। सर उसको बिना हमारे एक कॉर्पोरेशन के अगर रात को कुछ करेगा तो उसे की मिस्टेक नहीं, एक FIR दर्ज करा उसके खिलाफ, हम एप्लीकेशन लिख देते हैं पुलिस को, नोटिस दे दिया है, बिना कॉर्पोरेशन के कैसे वो भाई? अब ये बताओ ये सड़क कब तक बनाएगा? ये हाथ जोड़ के बिनते जल्दी बनवा दो सारी दुकानें, मिट्टी मिट्टी होती है जो हो गया आपको मैटर करता है, अच्छी मिट्टी है, अच्छी बड़ी सड़क है, पहले तो सर उसी से नहीं बनाएंगे ना, ना दूसरे से करो, पर ऐसा है ना आप टेंडर लगाओगे किस दिन, फिर टाइम ज्यादा चाहिएगा, फिर टाइम तो फिर ये बेचारे तंग। आप एक काम करो, चौक से लेके ये चौक तक सारी दुकानें बंद पड़ी है, मिट्टी मिट्टी हो रही है, बिल्कुल ठप हो गया, ना आना ना कुछ जाना, पेवर ब्लॉक थे वो रिपेयर हो जाते, ना टूटी तकरीबन सी इस पे पेवर ब्लॉक के बिछा दो, वही पेवर ब्लॉक बिछा दो जो पहले लगे हुए थे, बिल्कुल सही थे जी। कितने का मौसम रुका था, अभी अमाउंट कितने का है? 90 लाख का, 15 सर। पेवर ब्लॉक ही लगवाएंगे इसी पे, सीसी हमारी वो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, उसमें भी ये फुट फिट नहीं बैठता। चलो पेवर ब्लॉक लगा, मेन तो सड़क चलनी चाहिए, कैसे भी चलो। हाँ, कब तक लग जाएगी? एश्योरेंस भी दे दो, 15 डेज तो चाहिए। सर काम तो चालू है, उन्होंने मेरे साथ बोल के भी रखा लोग, अपना मशीन चलाई थी उन्होंने यहाँ पर, आगे काम चल रहा है, आगे दिखा जताना दिखा आगे। तो नगर निगम के कमिश्नर को भी मौके पर बुलाया गया है, राहुल नरवाल मौके पर पहुंचे हुए हैं, और तनातनी ये है कि बिना ठेकेदार ने बताए हुए सड़क को उखाड़ दिया। ये कारपेट जोड़ने के लिए थोड़ी ना,
है, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ये दो आदमियों को बैठाने के लिए या ये दौड़े के लिए? मारोगे चोट खाओगे, चोट लग जाएगी। तो ये तस्वीरें उसी सड़क के दिखा रहे हैं जो कई दिनों से सुर्खियों में सड़क रही है। ये देखिए सड़क बिल्कुल सही सलामती से उखाड़ दिया गया और 90 लाख रुपए का ये जो है टेंडर जारी किया गया है। तो लोग काफ़ी नाराज हैं इस चीज़ को लेकर। यहाँ के ये कमिश्नर साहब को बताया अपने जब नहीं नहीं यहाँ के लोगों ने किसी ने नहीं बताया कमिश्नर साहब को ऐसा है कि इनके नॉलेज में डालो ये सड़क बढ़िया है। देखो इतना तो आपका भी दायित्व बनता है, आम जनता का नहीं बनता दायित्व, ये सारे अफसर ही करेंगे, आपका दायित्व बनता है। सड़क बननी चाहिए, आप जल्दी ठीक ठाक थी एज सुन एज पॉसिबल, जब ऐसा है जब सड़क थी। सुनो तारकोल वाली ही बनने दो, जो बन रही थी कंक्रीट वाली, ये हम पे छोड़ दो ना, कौन सी बननी है वो आप को करेंगे, ये आपको सड़क से मतलब है, सड़क बढ़िया बन जाए। एक सीट ये जो रोड ही डल गई है इसके ऊपर फिर कौन सी बनेगी अब? आपने तो नहीं बुलाया ना? नहीं, आप बड़ी अच्छी मेहरबानी, आपकी आए ऐसा है, हम दोनों आए ना, ऐसा है जब सड़क आप कर देते फोन ही कर देते, हम रोक देते उसको, आप लोगों ने फोन। देखो जी इतने जागरूक नहीं है लोग, यहाँ करो ना जागरूक, कई बार करके देख चुके हैं कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ठेकेदार है काम मेरा, ये पेवर ब्लॉक बिना पूछे पहले बात तो ये कि कॉर्पोरेशन को तूने इंटीमेशन भी नहीं दी और फिर कैसे शुरू कर दिया? इंटीमेशन दे रखी सर, नहीं दी हुई वर्क ऑर्डर, मेरे गाड़ी में रखा है सर, मेरे पास क्वार्टर अलग बात होती है, एक साल जेई को बता दिया था सर, ओके जी खड़े हुए सर, बात हो गई नहीं बताया था और बिना कॉर्पोरेशन के मेरे बड़ा साथ सच ड्राइवर स्पीड था ये आप शांत कर आगे चौक साहब परसों क्या बात हुई रोकने के लिए टैल बंद करी थी आपने, टैल पढ़ने बंद कर दी थी, कोई बात नहीं। कॉलोनी वाले क्या कहने लगे सर, जो आपने पाट दिया वो पाट दिया, जो आगे काम कर रहा उस काम को कर दो आप मेरे। पर आपने पाड़ी क्यों अच्छी बजट आई पाड़ी सर, मौके के अधिकारियों से पूछ पाड़ी जी कॉर्पोरेशन को सर मेरे पास वर्क ऑर्डर है नहीं था कॉर्पोरेशन का यूनिट एक्शन साहब खड़े एक साल पहले गए क्या जी एक साल पहले मेरे पास दूसरी फाइल बना अप्लाई करी थी आपके पास एस सी साहब थे मौके के उनसे भाई यहाँ भीड़ का रास्ता है सुनो सर यहाँ भीड़ का रास्ता है ये काम नहीं होगा जी मौके के पार्षद ने मेरे को लट दिया भाई काम कर मेरा पूछे काम तो करवानी था मैंने कहा था यह काम नहीं होगा जी ये काम गड़ी में मैं तो बड़े भी कलाती है सर मेरे गर्म पत्नी है जी अच्छा है फिर आप देखो मैडम ही आए फीवर है मैं भी उठ के आया चलो ठीक है नहीं पर ऐसा है सरकार में एक ये है कि प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि भीड़ का काम नहीं रुक नहीं रही है इसके ऊपर जो मार्ग डाल रहे हैं पार्षद वाली बात है तो पार्षद धार्मिक संस्थाएं भी सारी बुरी ठीक है वो अलग बात है यहाँ से 550 सब कॉलोनी सहमत थी सर जब ये कॉलोनी बता रही है कि आपने सड़क पेवर ब्लॉक थी जी ठीक ठाक थी हमारी सड़क क्यों उखाड़ी ये मना कर रही है पानीपत में डिमांड आप ऐसा है एक आप बोलिए ना प्लीज आप ना बोलिए ना आप ना बोलिए आपकी मैडम बोले आप प्लीज साइड हो जाए कोई बात नहीं सर मैं भी श्री राम मंदिर का होंगे भाई आप होंगे सर मैंने दो दिन पाड़ा दिए कॉलोनी वाला ने रोक दिया किसी एक इंसान की मैंने पेंशन नहीं बनाई वो विरोध कर रहे हैं तो वो करता रहे ये एसोसिएशन के प्रधान खड़े सिटी चौक बताओ आपने कहा ना सड़क छोटे छोटे पैच लगे हर साल इसमें पैचिंग वर्क होता रहा पैचिंग वर्क कराऊंगा सर हमने तो सड़क ठीक कराने के लिए बोला है सड़क बदलने के लिए अब सर वो तो सड़क बदलने के लिए अब 10-12 साल के बाद उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने देखना है सड़क कौन सी बनानी है कंक्रीट की बनानी है या उसकी बनानी है हमने तो यहाँ पर टॉयलेट की भी बोली है चलो आप छोड़ो इस बात को आप सर ये अंकल जी खड़े हैं सर वहाँ से शुरुआत करी थी हमने पढ़ने के लिए ये नहीं बोले भाई दर्शनी दिक्कत है ऐसे है इनने कुटी पड़ी बात जी करी तो मैंने इनसे टेलीफोन करा भाई उधर से पढ़ लो परली साइड से ज्यादा डैमेज हो रही है उधर से चलो अभी इसमें नीति गिरती नहीं जाते एक तो अपनी पेवर ब्लॉक की आप अपने जो पेवर ब्लॉक है जी साहब आप अपनी वो
टाइलें लो उनसे, जहाँ लगानी वो लगाओ और इसको 15 दिन में सड़क बनाओ। फालतू को बात ही नहीं करनी। फालतू ठेकेदार ने सड़क उखाड़ दिया, अधिकारी मना कर रहे हैं कि सड़क हमने नहीं कही थी उखाड़ने की, तो बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर कैसे आए थे यहाँ? बस मिली थी कि सड़क बनी बनाई सड़क फाड़ दी, तो मैंने एमसी साहब कमीशन साहब को भी कहा था, तो बाकी कोर्ट आप उनसे लें सड़क उनकी, अब तो वो है मौके पे ही हैं कमीशन नगर निगम, आप उनसे बात करें। पब्लिक ने कुछ बताया सर आपको भी क्या दिक्कत थी, पाड़नी नहीं चाहिए थी या पाड़नी चाहिए थी, किस तरह की? पब्लिक ने कहा जी सड़क ठीक थी, एक दो पैच वर्क थे वो हो जाते, ये जटाना साहब है प्रधान है। दिक्कत होती है आपसे शिकायत कर सकते हैं? मेरे से तो कर सकते हैं, मतलब टोल फ्री नंबर दे रखा है, कमीशन साहब भी अवेलेबल है। इनके संज्ञान में मामला नहीं लाया गया, यदि इनके संज्ञान में मामला आया तो ये करते नहीं, ऐसी बात ही नहीं आनी थी। ये इन लोगों की भी ढिलाई है, अपने अपने कमिश्नर बैठे हैं नगर निगम के, आईएएस अफसर हैं, उनके संज्ञान में तो लाओ ना जी, ऐसा हो रहा है। जब मेरे संज्ञान मैंने इनको बताया तुरंत आ गए, आज सुबह मेरी बात हुई कि ऐसे ऐसे एक सड़क बनी थी, शिकायत आई एक बार चल पड़ते हैं, तो ये तुरंत आ गए। ना इनके संज्ञान में आया, किसी ने बताया नहीं, वो कहते जी हमें डर था। किस बात का डर? जो हम सुन रहे हम आई गए यहाँ पे, टोल फ्री नंबर दे रखा है, आप सड़क बन रही है तो मैं इनसे भी रिक्वेस्ट कर लेता कि भाई ये सड़क यदि टोल फ्री नंबर पर डाल देते, अब पता चला तो ये देखो आप बात करो। ठेकेदार ने बिना बताए सड़क उखाड़ दी, नोटिस कर दी है उसे, ठीक है, और जो गलती जिसकी है उस पर कार्रवाई कर देंगे हम। FIR दर्ज कराने की बात कर रहे थे सर, मैंने कहा ना नोट जिसकी गलती है उस पर कार्रवाई हम कर देंगे। अच्छा, जो एज पर रूल्स गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस बनती होगी। अच्छा, पानीपत में कुछ और भी ऐसा हो तो आपसे डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं? मेरा नंबर ऑब्वियसली मेरा नंबर सबके पास है, काफ़ी लोग आते भी हैं, और जैसा कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं 9 to 5 हम मैं ऑफिस में बैठता हूँ। राहुल नरवाल जी हैं मौके पर पहुँचे हैं, ये भी IAS हैं नगर निगम के कमिश्नर हैं, और ज़ाहिर तौर पर पब्लिक जब आगे नहीं आती तो ऐसी चीज़ें जरूर सामने देखने को मिलती है। तो 2200 पानीपत को लिखें या जो टोल फ्री नंबर प्रशासन ने जारी किया है, DC ने जारी किया है, वहाँ पर लिखें तो आपकी समस्याओं का जो है समाधान होगा। तो आज फिलहाल इस सड़क को लेकर जो चक्कर चल रहा था वो आप लोगों ने लाइव देखा, आपके जो भी कमेंट हैं हमें जरूर लिखें। वैसे पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ बोलते हैं।